नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर रविंद्र कुमार है और हमारे चैनल का नाम APRC है। एक डे टू डे का एक टॉपिक मेरे पास में आता है। जनरली काफ़ी लोग हैं, पेरेंट्स हैं, जो परेशान रहते हैं अपने बच्चे को लेकर के कि प्रोटीन इनटेक कितना करना चाहिए, क्योंकि जैसे ही बच्चा 15-16 की एज में पहुंचता है तो उसके तुरंत ही एक चीज़ चालू होती है कि वो जिम जा रहा है या कुछ एक्टिविटी शुरू कर रहा है। फिर उसका एक फ्रेंड सर्कल है स्कूल में, रिलेटिव्स में, कहीं भी है, तो जो फ्रेंड सर्कल है वो बेसिक जो बातें जो होती हैं कि मैंने आई स्टार्टेड जिम और मैं तो प्रोटीन ले रहा हूँ, तो दूसरा वो बच्चा भी सोचता है यार वो ले रहा है तो फिर मेरे को भी लेना ही चाहिए प्रोटीन। तो कई बार ना पेरेंट्स इस चीज़ को लेके चिंतित हो जाते हैं, या बच्चों को भी पता नहीं होता जो प्रोटीन ले रहे हैं तो क्या है, कितना लेना चाहिए, उसके नुकसान क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं। जो प्रोटीन है निश्चित रूप से बहुत अच्छी चीज़ है बॉडी के लिए। और पहली तो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ कि कितना लेना चाहिए। हमें जितना हमारा बॉडी का वेट होता है उतने ही ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। अगर हमारा वेट 80 किलो है तो हमें 80 ग्राम प्रोटीन लेने की ज़रूरत है। 70 किलो है तो 70 ग्राम प्रोटीन लेने की ज़रूरत है। अब प्रोटीन इंटेक जिम में जाते ही लोग बढ़ा देते हैं, तो उसके बढ़ाने के पीछे का जो रीज़न है वो ये है कि मसल बिल्डिंग के लिए प्रोटीन ज़्यादा चाहिए। मसल बिल्डिंग के लिए ज़्यादा चाहिए तो कितना ज़्यादा चाहिए, तो हमें 1.5 to 1.8, जैसे 1 ग्राम में बोल रहा था, तो भी ये 1.5 या 1.5 ग्राम से ज़्यादा अब हमारी रिक्वायरमेंट इसकी हो गई। तो सपोज करिए कोई 80 किलो का है तो उसका जो प्रोटीन इंटेक रहेगा वो रहेगा 120 ग्राम या 140 150 ग्राम तक वो प्रोटीन ले सकता है। रनिंग के ऊपर डिपेंड कर रहा है, साइकिलिंग के ऊपर डिपेंड कर रहा है, बट इसका मतलब ये कतई भी नहीं है कि आप हफ्ते में 2 दिन रन कर रहे हैं और प्रोटीन इंटेक आपने जो है डबल कर लिया या 1.5 गुना कर लिया। तो प्रोटीन इंटेक आपको तभी बढ़ाना है जब आप 5 डेज इन ए वीक वर्कआउट कर रहे हैं। जो सप्ताह में 5 दिन जो वर्कआउट होता है उसको हम आइडियल मान करके चलते हैं, और वो वर्कआउट की इंटेंसिटी भी 40 मिनट से ज़्यादा होनी चाहिए, मोर देन 40 मिनट्स होनी चाहिए। साइकिलिंग होगी, रनिंग होगी, जिमिंग होगी, एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी, और वो कितनी रेगुलर है उसके हिसाब से उसकी ज़रूरत होती है। अब आपको कैसे पता लगेगा कि जो आपने प्रोटीन लिया है ये ज़्यादा हो रहा है या ये आपके अंदर कोई दिक्कत कर रहा है? तो बेसिक प्रॉब्लम्स करता है जिसे आप खुद आइडेंटिफाई कर सकते हो। पहला हो गया इनडाइजेशन, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इतना स्ट्रोंग जो होता है वो उसको अफेक्ट करने लगता है स्ट्रोंग डाइजेस्टिव सिस्टम को। उसका पता आपको लगेगा कि या तो आप गैस पासिंग बहुत ज़्यादा होगी या पूरे दिन आप ब्लोटेड फील करेंगे। इन दोनों केसेस में आपका प्रोटीन और जो फाइबर है वो क्वांटिटी मिसमैच हो रही है। इसका मतलब आप प्रोटीन तो ले रहे हैं लेकिन जो फाइबर की क्वांटिटी वो कम है, तो उस पर्टिकुलर केस में आप फाइबर को बढ़ा लीजिए। दूसरा, आप डिहाइड्रेटेड फील करेंगे ज़्यादा प्रोटीन लेने के बाद में, डिहाइड्रेटेड फील करेंगे मतलब कि वाटर इंटेक कम हो जाएगा, मुंह सूखा हुआ है, ये सारी प्रॉब्लम्स रहेंगी। उस पर्टिकुलर केस में आपको अपना वाटर इंटेक या आइसोटोनिक ड्रिंक का इंटेक बढ़ाने की ज़रूरत है। तो उस पर्टिकुलर चीज़ में आप अपना जो है वाटर इंटेक बढ़ाएंगे। तो इन ये दो मेन साइड इफेक्ट जो आते हैं इसके, तो इन दोनों को आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि नॉन वेज में तो बहुत प्रचुर मात्रा में प्रोटीन है। आप मीट ले लीजिए, चिकन्स ले लीजिए, पोल्ट्री, और ये बहुत सारे आइटम्स हैं जो आप ले सकते हैं। बट वेजिटेरियंस के लिए एक बात खड़ी हो जाती है कि उनको प्रोटीन कहाँ से मिलेगा। तो प्रोटीन के वेजिटेरियन में बहुत सारे स्रोत हैं, इवन दो फ्रूट्स हैं, कई फ्रूट्स ऐसे हैं जिनमें प्रोटीन्स मिल रहे हैं, मिलते हैं। ऑरेंज हो गया, पीच हो गया, गुआवा हो गया, इनमें कम मात्रा में होता है बट एक अच्छा नेचुरल प्रोटीन होता है जिसे आप ले सकते हैं। सोयाबीन होगी जो वेजिटेबल्स में अगर आप जा रहे हैं तो,
और अनाज हो गए जो इतने भी मोटे अनाज हैं, जौ हो गया, रागी हो गई, इस तरह की जो चीज़ें आप अपने गेहूं में ऐड कर सकते हैं, वीट के साथ में ऐड करके उसका आटा जो बना रहे हैं उसमें भी ऐड हो जाएगा। या आप जो भी कुछ ले रहे हैं, अपना फूड ले रहे हैं, सपोज़ करिए कि कुछ भी स्वीट आइटम आप ले रहे हैं, तो आप उसमें टॉपिंग्स डाल दीजिए। आलमंड्स टॉपिंग अगर डाल रहे हैं तो भी एक वेजिटेरियन ऑप्शन हो गया और आपका प्रोटीन इंटेक भी इससे पूरा हो रहा है। तो ये पूरा प्रोटीन इंटेक के लिए है। प्रोटीन लेना बिल्कुल खतरनाक भी नहीं है, ऐसी कोई रिसर्च भी नहीं है कि जो ये कहती हो कि नहीं प्रोटीन इंटेक जो ले रहे हैं उससे किडनी डैमेज होगी। तो जो प्रोटीन इंटेक लेना है लेकिन उसकी क्वांटिटी निश्चित होनी चाहिए, ठीक है ना, एक फिक्स क्वांटिटी उसकी रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत एक्सेसिव ले रहे हैं और आप डिहाइड्रेटेड या ब्लोटेड फील कर रहे हैं तो आप उन चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहे फिर भी आप ले ही रहे हैं, तो डेफिनेटली उसके साइड इफेक्ट आपको वहाँ से होने शुरू होते हैं। तो उसको आप काउंटर कर सकते हैं उस तरह के साइड इफेक्ट्स को कि आप अपने खाने का ध्यान रखें कि फाइबर बढ़ा दें उसमें, और साथ साथ दूसरी जो चीज़ है डिहाइड्रेशन वाले मात्रा में उसमें आप पानी को बढ़ा सकते हैं। तो ये था दोस्तों प्रोटीन के लिए कि काफ़ी लोग सजग हैं, पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर के कि कोई गलत तो नहीं कर रहा है। तो इस वीडियो से आपको काफ़ी मदद मिलेगी और इस वीडियो को आप जितना लाइक करेंगे उतना ही यूट्यूब इसको प्रमोट करता है ताकि और पेरेंट्स को और बच्चों को और टीनेजर्स को जो जिम जा रहे हैं लोग उनको इस चीज़ की हेल्प मिल सके। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। थैंक यू।